नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना आशंकित मरीजों की जांच अब फतेहाबाद के मुख्यालय में भी की जा सकेगी। इसके लिए फतेहाबाद और सरकार की ओर से नागरिक अस्पताल में जांच मशीन स्थापित की जा रही है। मशीन स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और एक दिन में करीबन 30 मरीजों की जांच की जा सकती है। मशीन की निर्माता कंपनी की ओर से मशीन इंस्टॉल करने के लिए आए डॉक्टर और इंजीनियर्स का दावा है कि इस मशीन की सहायता से न केवल कोरोना मरीजों की जांच की जा सकती है, बल्कि टीबी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसे रोगियों के लिए भी जांच करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर पूरा दिन मशीन पर काम किए जाए तो पूरे दिन में करीबन 30 मरीजों की जांच रिपोर्ट आ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले मरीजों की जांच के लिए जांच के सैंपल रोहतक या गुरुग्राम भेजे जा रहे थे, जिसकी जांच रिपोर्ट आने में 24 से 72 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का इलाज शीघ्र हो सकेगा। आप देख रहे हैं पल पल, फतेहाबाद से भांबू के साथ विशेष रिपोर्ट। जो आपके पास सिस्टम अभी आया है ये ट्रूनेट के ब्रांड के नाम से है। वैसे कि सबसे खास बात इस मशीन की ये है कि ये आपकी स्वदेशी टेक्निक है, ठीक है। और इसमें अपार्ट फ्रॉम कोविड आप हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जैसी गंभीर जितनी बीमारियां हैं वो आप सब इसमें रन कर सकते हैं। और रन करने के साथ साथ एक्यूरेसी के साथ साथ किफ़ायती भी है काफ़ी, तो पेशेंट की जो है जेब पर ज़्यादा जो है बर्डन नहीं पड़ेगा। कितनी देर में रिपोर्ट मिल सकती है इसमें और किस प्रकार कार्य रहेगा इसमें? कि जैसे डॉक्टर कमलजीत ने आपको एक्सप्लेन किया है, आप 2 आवर्स में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। एक दिन में कितनी रिपोर्टें दे सकते हैं? एक दिन में आप कम से कम अगर 8 आवर की आप वर्किंग रखते हो तो 20 से 25 सैंपल आप आसानी से कर सकते हो इस मशीन में। तो सर ये मान लीजिए कल को इसमें कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो किस तरह से आप हैंडल करोगे इसको अचानक? उसके लिए हमारे पास जो है हमारी सर्विस एंड एप्लीकेशन टीम होती है और हम हमेशा कनेक्टेड होते हैं अपने कस्टमर के साथ। जहाँ भी हमारी इंस्टॉलेशन होती है तो वह या तो हमारी फिजिकल मीटिंग की जरूरत होती है तो फिजिकली हम जाके सही करते हैं, अदरवाइज जूम और वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम आपको जो है समाधान देते हैं आपकी कोई भी परेशानी आती है अगर सर्विस से रिलेटेड। क्या नाम और क्या? मेरा नाम अनुपम उपाध्याय है, मैं मोड बायोडायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। बेसिकली हम COVID-19 के लिए यूज़ करेंगे, ये हमारी एक ट्रू मशीन है COVID-19 के लिए। हम इसको बोलते हैं, इसको हम एक छोटा RT-PCR भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट का सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद उसको डीकंटामिनेट करके उसमें पहले RNA एक्सट्रैक्ट करेंगे। RNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें हम उसकी आइडेंटिफिकेशन और एंक्रिप्टेशन करेंगे। उसके बाद इसके हम विदिन 2 आवर्स इसकी हम रिपोर्ट दे सकते हैं। अगर इमरजेंसी में हमें किसी की जरूरत पड़ती है तो 2 घंटे के अंदर इसके हम आराम से रिपोर्ट दे सकते हैं। तो सर एक दिन में कितने रिपोर्ट में दे सकते हैं सर? वो डिपेंड करता है कि हम एक दिन में कितने हमारे पास केस आ रहे हैं और हमारे पास मैन पावर कितनी है। बेसिकली ये 2 घंटे में अगर आप एक रिपोर्ट दे रहे हो, और पहले केस में पहला जो टेस्ट होता है उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है उसमें आप 1-1 घंटे में आप एक टेस्ट की रिपोर्ट कर सकते हो। तो आप 25-30 टेस्ट आप ये बोल सकते हो कि आप एक दिन में दे सकते हो, अगर 24/7 ये चलती है और आपके पास मैन पावर सफिशेंट है तो। अब तक जिले में कितनी मशीनें ये उपलब्ध करवाई गई? अपने इस जिले में फतेहाबाद में 1 मशीन है, इसके अलावा हरियाणा में 12-11 मशीनें और इंस्टॉल हुई हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आया हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट पे ये इंस्टॉल हो रही है। तो टेस्ट करवाने के लिए सर बाहर नहीं जाना पड़ेगा? देखो बिल्कुल वो आपकी बात सही है, बाहर तो अभी भी नहीं जा रहे हैं हम लोग, हमारी सैंपलिंग सारी यहाँ पे हो रही है, सब कुछ यहीं पे हो रहा है। उसके बाद हम सैंपल को बाहर भेज रहे हैं, पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता। यहाँ की कैपेसिटी अगर मैन पावर है तो हमारी 25-30 की है, वही हम कर देते हैं। हमारे डेली के यहाँ तो ऑलमोस्ट 100-150 सैंपल होते हैं, तो वो जो सैंपल और बचे उनको तो हमें बाहर भेजना पड़ेगा। कब शुरू करें? आज इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है तो इसके 2-4 दिन में इसको हम 2-4 दिन में प्रॉपर इसको फंक्शन में ले आएंगे। क्या नाम है? क्या पता? मेरा डॉक्टर कमलजीत है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ मैं।